पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो कभी पेशवाओं की नगरी हुआ करती थी, वो पुणे आज धर्म कर्म की नगरी है और साथ ही साथ आईटी एवं इंडस्ट्रियल हब भी मानी जाती है। 2009 में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पुणे चैप्टर की रचना हुई और तब से लेकर अब तक जीतो पुणे निरंतर सामाजिक, शैक्षणिक, वयवच एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास में अपना महत्तम योगदान दे रहा है। 23 जनवरी 2019 को जीतो पुणे की नई मैनेजिंग कमेटी की स्थापना हुई, जिसमें श्री कांतिलाल ओसवाल को चेयरमैन और श्री अजय मेहता को चीफ सेक्रेटरी के तौर पर निर्वाचित किया गया। साथ ही नई लेडीज विंग और यूथ विंग की भी स्थापना हुई। जीतो पुणे की सफलता में एडवाइजरी बोर्ड, जीतो पुणे एपेक्स टीम, नेशनल बोर्ड मेंबर्स, सभी वाइस चेयरमैन, स्पेशल इनवाइटीज, श्रमण आरोग्यम ट्रस्टीज, JATF ट्रस्टीज, मैनेजिंग कमिटी, डायरेक्टर्स का योगदान रहा है। जीतो के इतिहास में सर्वप्रथम साकार होने वाली बेहद महत्वपूर्ण एवं अनोखी योजना, जिसमें 427 साधर्मिक परिवारों के पुनर्वसन के लिए पुणे शहर के मध्य में जैन संघों के नजदीक 25,000 जैन परिवारों के पड़ोस में आकार दे रहा है जीतो नगर। साधर्मिकों को समाज के करीब लाने के ये उम्दा कार्य जीतो लीडरशिप की दूरंदेश सोच की आगाज करवाता है। गत 12 वर्षों से सामाजिक भावना के तहत रसिक लालजी धारीवाल के प्रेरणा एवं सहयोग से जीतो फूड बैंक योजना की शुरुआत हुई, जिसमें आज 500 से अधिक साधर्मिक परिवारों को प्रति माह जीवन आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है और जीतो फूड बैंक ने 2 साल के कार्यकाल में 2.5 करोड़ की सहायता की है। पुणे शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सॉलिटेयर ग्रुप द्वारा निर्माणाधीन जीतो बिजनेस बे, जहां तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट की जगह में होगी जीतो मेंबर्स की अपनी ऑफिसेज और उसमें ही जीतो पुणे की 17,000 स्क्वायर फीट की फुल्ली फर्निश्ड प्लग एंड प्ले ऑफिस भी होगी। जीतो पुणे की मेंबरशिप कमेटी एवं पुणे बोर्ड के अथक प्रयास से 412 नए पेट्रंस की बढ़ोतरी करते हुए टोटल स्ट्रेंथ को 749 पेट्रंस तक और 20 FCP या CP की बढ़ोतरी करते हुए 90 FCP या CP तक ले जाके नया इतिहास रचा है। जीतो पुणे ने एक साथ 2 नहार JBN चैप्टर्स लॉन्च करके जीतो में और एक इतिहास रचा और कैसे आपसी सहयोग से व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, उसका अनुकरणीय उदाहरण दिया। 2 वर्ष के कार्यकाल में JBN ने 69 मीटिंग्स की, 5 इंटरचैप्टर मीटिंग की, 1,947 रेफरल्स जनरेट किए, 14 करोड़ का आपस में बिजनेस किया और 114 JBN पेड मेंबर्स जोड़कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। व्यवसायिकों को मार्गदर्शन देने के लिए B2B सेमिनार्स का आयोजन किया गया, जिसमें न्याति कंस्ट्रक्शन के नितिन न्याति द्वारा थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम, थायरो केयर के MD द्वारा रोमांस विद रिस्क, श्री हितेश माली द्वारा हैप्पीनेस पीस एंड प्रोस्पेरिटी और इस महामारी में हमें सभी से जुड़े रहने के लिए जूम के द्वारा कई ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें MSMEs बेनिफिट्स एंड बैंक फंडिंग, इकोनॉमी आफ्टर COVID-19, प्रिकॉशंस एंड चैलेंजेस फॉर बिजनेस बाय CACS अनिल सिंघवी, मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस, इंटरनेशनल न्यूट्री जेनोमिक्स एंड डिजीज रिवर्सल एक्सपर्ट मिस्टर करण कक्कर द्वारा सीक्रेट टू रिवर्स डिजीजेस एंड बिल्डिंग इम्यूनिटी जैसे और भी काफी विषयों पे वेबिनार्स का आयोजन किया गया। जीतो कॉफी टेबल कमेटी ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे इंटरिम बजट आउटकम एंड इम्पैक्ट विद CA सुहास जी बोरा, क्या जमाना बदल रहा है विद चाकोर जी गांधी, मिस्टेक्स बिजनेसेस मेक विद प्रकाश जी बांग, पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इंदर जी जैन एंड विजय जी भंडारी, रियल एस्टेट आफ्टर कोविड इन पुणे एंड इंडिया बाय जोन चेयरमैन ROM एंड JATF और शांतिलाल कटारिया MD आदित्य ग्रुप वाइस चेयरमैन क्रेडाई, मेंबर्स के मनोरंजन और अच्छी सेहत के लिए मंडोत जीतो मेंबर्स क्रिकेट लीग का जबरदस्त आयोजन किया गया, जिसमें 120 जीतो प्लेयर्स सहभागी हुए। जीतो एपेक्स द्वारा भारत भर के सभी चैप्टर्स में मनाया जाने वाला फाउंडेशन डे पुणे में मार्च 2019 एवं सितंबर 2020 को मनाया गया, जहां जैन समाज के विभूतियों को अलग अलग क्षेत्रों में
अपने योगदान एवं समाज को नई राह प्रदान करने के लिए जीतो अवार्ड से नवाजा गया। जीतो पुणे श्रमण आरोग्यम कमेटी द्वारा साधु साध्वी जी भगवंतों को 200 कार्ड्स और श्रमण आरोग्यम ट्रस्ट द्वारा सिर्फ पुणे में गत 2 वर्षों में साधु साध्वी भगवंत के इलाज के लिए 80 लाख रुपए का व्यवज का कार्य हुआ। और कोरोना काल में पूज्य साध्वी जी भगवंतों का जीतो पुणे कोविड केयर सेंटर में इलाज किया गया। माइनॉरिटी कमेटी के तहत महाराष्ट्र सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सभी जैन छात्रों के लिए उपलब्ध करवाई गई है और विदेश में क्या अवसर है उसके लिए सेमिनार भी रखा गया। अब तक 250 से ज्यादा छात्रों को 45 करोड़ से ज्यादा लोन की रकम पढ़ो परदेश योजना के अंतर्गत आवंटन की गई है। माइनॉरिटी के फायदे अपने जैन समाज को मिले उस कारणवश चैप्टर टीम ने महाराष्ट्र के एजुकेशन एंड माइनॉरिटी मिनिस्टर को मिलकर आवेदन दिया। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की बारीकियां समझने के लिए इंडस्ट्रियल विजिट कमेटी द्वारा ZF इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विजिट का आयोजन किया गया। जीतो पुणे द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक क्षमापण का आयोजन किया जाता है। 15 सितंबर 2019 को वर्धमान सांस्कृतिक हॉल में सभी संप्रदाय के गुरु भगवंतों के पावन निश्रा में ये मनाया गया, जिसमें 5000 से अधिक लोग उपस्थित हुए। जीतो पुणे ने एक नया उपक्रम लॉन्च किया, JOF जैन अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन, जिसमें जीतो मेंबर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाई जाएंगी। JOF को एक सेक्शन 8 कंपनी द्वारा स्थापित किया गया और लॉन्च किया गया। कोरोना काल में यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देने के लिए कोविड सिचुएशनल मेंटरशिप नाम का प्रोजेक्ट किया गया, जिसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के साथ रूबरू होने का मौका मिला। एक द्वारा 11 मेंटरिंग एंगेजमेंट्स करवाई गई। पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के लिए पुणे के ऐतिहासिक स्थान शनिवार वाड़ा पे सभी नागरिकों एवं संस्थाओं को सम्मिलित कर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रहे सैनिकों की सहायता हेतु एक शाम सोल्जर के नाम प्रोग्राम का आयोजन किया गया और बाढ़ से पीड़ित कोलापुर स्थित इचल करंजी में सहायता पहुंचाई गई। भारतीय महिला किसी से कम नहीं और यही बात जीतो पुणे की लेडीज विंग ने हेल्थ सेमिनार, कॉफी टेबल मीट, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, तंबोला, जुम्बा एंड एरोबिक सेशन, B2B सेशन, मेडिकल चेकअप जैसे ढेर सारे प्रोग्राम्स करके साबित किया है। जीतो पुणे यूथ विंग कमेटी ने क्रिकेट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, सोशल अवेयरनेस प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल विजिट, फुटबॉल लीग का आयोजन किया। जीतो पुणे बोर्ड ने 2 नेशनल लेवल इवेंट्स होस्ट किए, जिसमें नाहर JBN 360 के 2 दिन के इवेंट जो जीतो पुणे ने JW मैरिट में होस्ट किया। इसमें भारत भर से 43 चैप्टर्स में से 300 से अधिक पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए। इस इवेंट में पूरे 2 दिन के लिए बिजनेस नेटवर्किंग सेशन, फ्रेंचाइज एग्जीबिशन स्टॉल्स, रेफरल सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस का आयोजन किया गया। साथ ही पुणे ने अपना 3रा JBN चैप्टर चैंपियन का लॉन्च किया। JBN 360 पुणे चैप्टर द्वारा लिया गया सफल उपक्रम में से ये एक है। शाम को गाला डिनर के साथ एंटरटेनमेंट बाय सिंगर राहुल वैद्य का भी परफॉर्मेंस रखा गया था। इस JBN 360 के ऐतिहासिक सफलता के बाद जीतो एपेक्स का पहला NYC 2020 नेशनल यूथ कॉन्क्लेव पुणे में होस्ट किया। इस 3 दिन के इवेंट में मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास, गेस्ट स्पीकर विमल शाह, चेयरमैन बिटको अफ्रीका रजनीश जैन, CFO रिलायंस जियो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल एक्सपर्ट और कई नामांकित स्पीकर्स के सेशंस हुए। नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2020 में JBN मीट, JIIF स्टार्टअप कॉम्पिटिशन एवं जीतो प्रोफेशनल फोरम जैसे सक्सेसफुल इवेंट्स हुए। पुणे सहित भारत भर में 1,700 से अधिक यूथ ने इस 3 दिवसीय इवेंट में हिस्सा लिया। कोविड की वैश्विक महामारी में पूरे विश्व के यंत्रणा को झकझोर दिया। जीतो पुणे परिस्थिति के अनुरूप एवं जीतो एपेक्स के विजनरी लीडरशिप के गाइडलाइन के अनुसार कोविड समय में सेवा का एक महायज्ञ शुरू हुआ। जीतो पुणे ने सकल जैन संघ को साथ में जोड़कर कोविड फंड जमा किया और 5.5 करोड़ से अधिक के सेवा कार्य किए, जिसमें लगभग 45,000 से अधिक फूड ग्रेन किट्स, PMC के लिए सैनिटाइजेशन स्प्रेइंग मशीन, कलेक्टर के साथ जुड़कर 30,000 से अधिक फूड ग्रेन किट्स,
1100 से अधिक साधर्मिक भाइयों को फंड ट्रांसफर। जीतो फूड बैंक के माध्यम से 550 परिवार जो 12 साल से जीतो से जुड़े हैं, उन्हें मेडिकल सहायता जैसे कई समाज उपयोगी कार्य किए। जब जून तक कोविड का प्रभाव बढ़ता दिखाई दिया, तब जीतो पुणे एडवाइजरी टीम एवं पुणे बोर्ड ने सकल जैन संघ के साथ 80 बेड के कोविड सेंटर में जुड़ने का निर्णय किया। फिर और भी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नंदनवन होटल शिवाजी नगर में जीतो पुणे ने अपना 150 बेड का जीतो पुणे कोविड केयर सेंटर बनाया और इस सेंटर में सितंबर तक 800 से अधिक पेशेंट्स स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। जीतो का ये निर्धार है देश एवं समाज पे आई हर विपदा में अपनी अग्रसर भूमिका निभाने का अपना दायित्व निभाता रहेगा। इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाने के लिए और जीतो पुणे को और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हमारे सभी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य FCP पेट्रन एवं सभी मेंबर्स का जीतो पुणे 1920 बोर्ड की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और आने वाली 2022 की कार्यकारिणी कमेटी को शुभकामनाएं देते हैं। जय महावीर, जय जीतो।